भोजपुर थाने में तैनात एसआई अफजल अहमद द्वारा अपनी निजी रकम से हाईवे पर बने गड्ढों की मरम्मत कराते नजर आए। एसआई ने लगातार हो रहे रोड एक्सीडेंट को लेकर गड्ढों की मरम्मत कराई। आपको बता दें कि रामनगर हाईवे के गड्ढे जब लोगों को दर्द देने लगे तब भोजपुर थाने में तैनात एसआई अफजल अहमद आगे आए। उन्होंने खुद के खर्चे से हाईवे के गड्ढे भरवाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि समाज के और लोग आगे आए तो खुद ब खुद आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भोजपुर के पास मुरादाबाद रामनगर नेशनल हाईवे पर पीपलसाना रेलवे क्रॉसिंग से नेकपुर की बड़ी पुलिया तक कई गहरे गड्ढे हैं जो कि सफर करने वाले मुसाफिरों को काफी परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। 11 मई की सुबह को फैजान पुत्र बदलू निवासी डिंडोली जिला अमरोहा रेडीमेड का सामान लेने के लिए पीपलसाना आ रहा था, लेकिन इसी गड्ढे में बाइक फिसल गई थी जिसमें फैजान की मौत हो गई थी। नेकपुर की पुलिया के पास कुछ सड़कों का गड्ढे हैं और ये गहरे खड्डे थे, ये इनसे कई एक्सीडेंट हुए हैं। यहाँ पे कई लोगों की जाने भी गई है। ईद से भी 3 दिन पहले करीब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़का खत्म हो गया, कई लोगों की यहाँ पे और जख्मी भी हुए हैं। ये गड्ढे कुछ ऐसे थे, गहरे खड्डे थे, जैसे यहाँ पे ट्रेवल चल रहा है, खड्डे सामने आते थे, आदमी एकदम संभलने के लिए कोशिश करता लेकिन डिसबैलेंस हो जाता था, उस वजह से कई डेथ हुई है। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं ही गड्ढों को फंसा दूँ। तो क्या अपनी सैलरी से गड्ढे भर? कुछ थोड़े बहुत खर्च करके इसमें कर दिया। कितने लोगों का इसमें सहयोग रहा थे? हम हैं इसमें, मैं हूँ, कुछ मजदूर हैं, 2-4 आदमी, छोटा मोटा हाथी लिया किसी का, मिट्टी डाली उसमें। तो अब सारे गड्ढे पट चुके हैं? हाँ ये पट चुके हैं, कुछ बाकी रह रहे हैं इधर देवीपुरा साइड के साथ के, वो भी गहरे गड्ढे हैं, उन्हें आज भरवाया जाएगा। वो आज आप भरवाएंगे? एक गनी नगर में ढेले नदी के पुल के पास गहरा खड्डा हो रहा है, उससे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट प्रोन जोन हो रहा है इस तरह का, एक्सीडेंट प्रोन जोन, इसे आपकी सहयोग से मैं भरूंगा इन। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल अहमद है।